द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ओव्यूल के फॉर्मेशन के टाइम का, आप देखेंगे कि द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ न्यू सेल्स, वो न्यू सेल्स से बनी होती है। ये जो आपको एम्ब्रियो सेल दिख रहा है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये कुछ नहीं दिखेगा, शुरू में ये सब बाद में बनता है, न्यू सेल्स पहले आती है, डेवलपमेंट में उसका बताएंगे हम आपको। तो जो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया कौन आपका न्यू सेल्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपको बाहर दिख रहा है एम्ब्रियो सेक के चारों ओर, एम्ब्रियो सेक के चारों ओर जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यू सेल्स। सो फिर से हम ओव्यूल को डिवाइड कर सकते हैं दो में। तो न्यू सेल्स को अगर मैं नॉर्मल से अगर हम बात कर लें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस, लेस प्रेजेंस और मोर प्रेजेंस की बात कर लें अगर हम, तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यू सेल्स ओव्यूल फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यू सेल्स ओव्यूल अगेन कैन बी डिवाइड इनटू टू, हम फिर से ओव्यूल को दो में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, एक क्रेसी न्यूसिलेट एंड देयर इज टेन्यू न्यूसिलेट, दो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, एक क्रेसी न्यूसिलेट एंड एक टेन्यू न्यूसिलेट। तो किसकी बात करने जा रहे हैं लोग, हम बात कर रहे हैं न्यू सेल्स की, हम बात कर रहे हैं न्यू सेल्स की, न्यू सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इफ वेल डेवलप्ड न्यू सेल्स इज देयर, इफ वेल डेवलप्ड न्यू सेल्स इज देयर, वेल डेवलप्ड न्यू सेल्स है तो सच ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेसी न्यूसिलेट। इफ अ वेल डेवलप्ड न्यू सेल्स इज देयर सच ओव्यूल इज कॉल्ड क्रेसी न्यूसिलेट, इसे क्रेसी न्यूसिलेट बोलेंगे। एज इन केसेस ऑफ पॉलीपेटली, फिर से भाई पॉलीपेटली है पॉलीगोनम है, तो इन केसेस ऑफ पॉलीपेटली पॉलीगोनम उसे मिलेगा आपको कौन, क्रेसी न्यूसिलेट। इफ द वेल डेवलप व्हेन न्यूसिलेट कैसा हो आपका, वेल डेवलप हो तो बोलेंगे क्रेसी न्यूसिलेट। एज इन केसेस ऑफ पॉलीपेटली, एज इन केसेस ऑफ पॉलीगोनम इसमें दिख जाएंगे। बट इफ पुअरली डेवलप हो, अगर पुअरली डेवलप का न्यूसिलेट हो तो क्या कंडीशन आएगी, एग्जाम्पल वगैरह दे रहा हूं, इफ पुअरली डेवलप न्यू सेल्स इज देयर देन सच न्यू सेल्स इज कॉल्ड टेन्यू न्यूसिलेट। क्या बोलेंगे सेम, टेन्यू न्यूसिलेट, टेन्यू न्यूसिलेट। एज हमने बात की वो पॉलीपेटली है तो कौन सा होगा, गैमोपेटली, तो एज इन केसेस ऑफ गैमोपेटली तो आपको ये गैमोपेटली में दे दिया जाएगा, यदि बात क्लियर है। तो अगर पुअरली डेवलप हो तो आपका टेन्यू न्यूसिलेट, एज इन केसेस ऑफ गैमोपेटली मेंबर्स। रूबेसी किसमें बात कर रहा हूं, रूबेसी, तो रूबेसी में आपको दिख जाएगा, तो मैंने कहा आपका टेन्यू न्यूसिलेट्स, टेन्यू न्यूसिलेट्स किसमें दिख जाएगा आपको, गैमोपेटली मेंबर्स में, ठीक, रूबेसी मेंबर्स में इसमें दिखेगा। गेटिंग ऑन नाउ, इतनी बात क्लियर है, तो नाउ आपके न्यूसिलेट्स की बात क्लियर, क्लियर बेटा, इसे रब करिए, सुनेंगे बन सके, ठीक सुने। तो इन केसेस ऑफ ओव्यूल, हमने कहा ओव्यूल अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ the on the basis of amount of new cells, if well developed new cells is there crassi new cells, if poorly developed new cells is there tenu new cells, clear। to aapka jo well developed new cells hai that is present in polypetaly members, that is present in polygonum, aur jo tenu new cells wala hai yani poorly developed ki baat kar lo to that is present in gamopetaly members, that is present in members of rubiaceae family, to in mein dikh jayega, done or not, yani hamari baat ho gayi hai new cells se, न्यूसिलस के अंदर की बात करते हैं, क्लियर। अब न्यूसिलस के अंदर मेन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कौन, एम्ब्रियो सैक, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, डन और नॉट, इतनी बातें क्लियर है बेटा, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर ना जी। तो हम एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच जाए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, देखेंगे, यानी वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक। तो एक हम एम्ब्रियो सैक की बात कर लेंगे, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक को ले लें, डायग्राम देखिए, बड़ा सा आयाम दिख रहा है आपको ग्रीनिश कलर का, और रेड से रेड कलर के न्यूक्लियस वगैरह दिख रहा है जो आपको। तो मैं अगर इसकी बात कर लूं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में, एक स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जो अंदर है, बात के लिए न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट पे आ गया हमें, बस समझ आ रही ना बात, डायग्राम दोबारा देखें, दोबारा देखो, ये जो आपने अभी डायग्राम देखा है कौन सा, एम्ब्रियो सैक का, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहा है देखो एंटीपोडल सेल्स, एग एपरेटस, बीच में पोलर न्यूक्ली दिख रहा है, एग सेल वगैरह जो दिख रहा है आपको, ये जो एम्ब्रियो सेल, मैं इस एम्ब्रियो सेक को बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है, देखे दोबारा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एम्ब्रियो सेक को बड़ा करके देखेंगे, जिससे वो आपको डायग्राम क्लियर हो जाए।
डल ऑन और स्टार्ट किया जाए बन सके। चलिए इसे डायग्राम देखिए जरा। तो इन केसेस ऑफ एम्ब्रियो सेल को अगर हम ले लें तो एम्ब्रियो सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या कह रहा हूं मैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। चलिए डायग्राम में देखिए जरा बड़ा करके एक एक करके सारे पढ़ेंगे ठीक। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो नीचे का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पर आपको जो बाहर को दिख रही है दो सिनर्जिक्स एंड एक एग, टू सिनर्जिक वन एग, इन तीनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या कलेक्टिवली एग एपरेटस। क्या बोलते हैं एग एपरेटस, सिंगल एग विद टू सिनर्जिड, सिनर्जी मतलब तो हेल्पर सेल्स है ना, ये हेल्पर सेल्स है, एक सिनर्जी एक एग विद टू सिनर्जिड्स ये होगा एग एपरेटस। सबसे टॉप पर अगर हम बात करें तो टॉप पर जो आपको दिख रही है तीनों, इनको नाम दिया गया एंटीपोडल, सबका हम लोग एक ही फंक्शन पढ़ेंगे। जो आपको तीनों दिख रही है वो कौन है आपका एंटीपोडल सेल्स, भारत दिया दे आर एंटीपोडल सेल। तो एग एपरेटस हो गया और तीन एंटीपोडल सेल्स हो गए, बीच जो आपको दिख रहे हैं दो रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं वो है आपके क्या पोलर न्यूक्ली, पोलर न्यूक्ली। तो आप जो फुल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पूरा तो एम्ब्रियो सैक ही है, लेकिन अगर मैं बीच वाली बात कर लूं जो जिसके अंदर पोलर न्यूक्ली है उस सेल की, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। बात करें एक एक करके सबकी हम बात करेंगे ठीक। तो तीन एंटीपोडल सेल, तीन हो गए एंटीपोडल सेल, चौथा एग, दो सिनर्जिड, तीनों तीन छह, एक सेंट्रल सेल, तो सात, तो 7 सेल, इसलिए बोलते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। तीन हो गए आपके एग एपरेटस के अंदर एंड वन सेंट्रल सेल, तो थ्री प्लस वन 7 सेल, 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर की बात कर लू तो इनके 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, तीन न्यूक्लियस होगा किसमें एंटीपोडल सेल्स में, डरना तीन न्यूक्लियस हो गया आपके एग एपरेटस में और दो न्यूक्लियस क्या होगा पोलर न्यूक्ली दिख रहा है जो आपको सेंट्रल सेल के, तीन तीन छह और दो आठ, 3 + 3 + 2 यानी 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर्स इजीली यू कैन सी, डन और नॉट। इतनी बात क्लियर हो रही है, वन बाय वन स्टार्ट किया जाए सब ठीक है। ये हमें चीजें पढ़नी है सिर्फ क्लियर, अब एक एक हमें फंक्शन पढ़नी है चीज, हमें अगर बात कर लें तो हमें एक एक स्ट्रक्चर के फंक्शन पढ़ने के बाद फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, इनका काम क्या क्या है समय आ रहे भाई ठीक। तो अगर मैं एक एम्ब्रियो सैक की बात कर लू ठीक, कि एम्ब्रियो सैक जो है कि एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर्स रहा वो किस तरह से फंक्शंस कर रहा है, क्या क्या उसके रोल है, हर एक सेल के क्या फंक्शन है, ये हमें पढ़नी है फ्यूचर में ठीक। अभी हम सिर्फ ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, बात क्लियर। तो एम्ब्रियो सैक कैसा, 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर आपको बाहर दिख गया है, 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड, ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर आपको जो दिखा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ाएंगे आगे, जहां आपको पढ़ाएंगे फॉर्मेशंस यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर पढ़ाएंगे इसे मेगा गैमेटोजेनेसिस, तो ओव्यूल बनाएंगे, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बनाएंगे, बात करें हम इन सब की बात करेंगे। डरना अभी इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं, अभी बात हो गई आपके एक ओव्यूल के अंदर की बात हुई है कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है ठीक, या फिर कहो तो यहीं पर एम्ब्रियो सैक पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं, आगे का आगे देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। चलिए वंस अगेन डायग्राम को गौर करते हैं ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम को बात कर लूं एम्ब्रियो सैक की, तो एम्ब्रियो सैक में एक एक करके बात कर ले, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं चलो जो उनके लीस्ट इंपॉर्टेंस है उन्हीं की बात कर ले ठीक। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ऊपर की जो तीन सेल दिख रहे हैं दे आर एंटीपोडल सेल्स, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, फुल एम्ब्रियो सैक, बात क्लियर। फुल एम्ब्रियो सैक की मैं बात कर लूं, सब रफ करती अगर मैं फुल एम्ब्रियो सैक की बात कर लूं डायग्राम में, फुल एम्ब्रियो सैक कैसा है हैप्लॉइड, हैविंग ऑल हैप्लॉइड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड, पूरा पैर एपरेटस हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल का लोचा है, सेंट्रल सेल हैप्लॉइड है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा डिप्लॉइड एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, बस में आई व्हाट आई टोल्ड, आपका एक कैसा है हैप्लॉइड ठीक, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जस्ट अभी ये हैप्लॉइड है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा डिप्लॉइड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, डन और नॉट, क्लियर है ना भाई। तो सबसे पहले बात की मैंने किसकी, एंटीपोडल सेल की, जो ऊपर तीन दिख रही है, तो एंटीपोडल सेल्स दे आर जनरली थ्री, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ऑफकोर्स एंड दे आर जनरली थ्री इन नंबर, ये जनरली थ्री होती है। तो सबसे पहले जो बात हो रही है आपकी स्ट्रक्चर वाइज बात जो मैंने की, किसकी बात कर रहा हूं एंटीपोडल सेल्स की, तो एंटीपोडल सेल जनरली कितनी है थ्री ठीक है भाई। बट इन केसेस ऑफ जियामेज, इन केसेस ऑफ जियामेज की अगर मैं बात करूं, जिया
धड़क धड़क जाए नहीं, जिया जिया मेज यानी मेज आपका जो आप खाते ना मक्का भुट्टा, ठीक। तो इनकी सब जिया मेज, इनकी काउंटिंग कितनी हो सकती है? इनके जिया मेज देयर काउंटिंग कैन बी 20 हो सकती है, 20। इन केसेस ऑफ सासा पेनिकुलेटा, इन केसेस ऑफ सासा पेनिकुलेटा, इन सासा पेनिकुलेटा देयर नंबर कैन बी 300 मैक्सिमम नंबर है, देयर नंबर कैन बी 300 मैक्स 300 नंबर हो सकता है, 300, क्लियर। व्हाइल इन केसेस ऑफ ओइनोथेरा, इन केसेस ऑफ ओइनोथेरा टाइप की बात करें तो इनके सब ओइनोथेरा एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट, उनमें ए एब्सेंट है, इनके सब ओइनोथेरा सेल, आपकी सेल्स कैसी है? एब्सेंट है, क्लियर है कि नहीं? ठीक, हमें याद रखना है। तो एंटीपोडल सेल्स दे आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर, जनरली दे आर 3n, ठीक है। ये 3n है, एंटीपोडल सेल्स कहां प्रेजेंट होती है? अपोजिट टू एग एपरेटस, अपोजिट टू एग एपरेटस टुवर्ड द चलाजल एंड, इस चलाजल एंड की साइड प्रेजेंट होती है। बोई हमने कहा जनरली 3 होती है, जब ना जनरली दे आर 3, बट एज इन केस ऑफ मेज दे कैन बी अप टू 20, दे कैन बी 20। इन केस ऑफ सासा पेनिकुलेटा, ठीक, तो आपकी मेज में 20 हो गई, सासा पेनिकुलेटा में मैक्सिमम नंबर दिया गया है कितना है? 300। और इन केस ऑफ ओइनोथेरा एब्सेंट, डन और नॉट, रब कर दूं, डायग्राम देखते जाओ, फिर आ जाओ, दिख रहा है डायग्राम? आप डायग्राम में नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर ले तो चलो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सेल की। सेंट्रल सेल को आप देखें, दिस इज द लार्जेस्ट सेल, डायग्राम में देखो जितना भी आपको दिख रहा है वो सब सेंट्रल सेल है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है, दैट इज सेंट्रल सेल है। ठीक, सेंट्रल सेल भी कैसी है? हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब ट्रिपल फ्यूजन होने जा रहा होता है तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ये कैसी हो जाएगी? ट्रिप्लॉइड, ए डिप्लॉइड, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड, एंड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इट विल बी ट्रिप्लॉइड एंड विल गिव राइज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी एंडोस्पर्म देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म देगा, क्लियर। अगली बात समझे आप, तो मैंने कहा सेंट्रल सेल पूरे एम्ब्रियो सेल की सबसे बड़ी सेल है, एक बात, हैप्लॉइड होती है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड हो जाएगी, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लॉइड हो जाएगी एंड विल गिव राइज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी ये क्या बना देगा आपका? एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको बनाएगा, क्लियर। चलिए, तो एंडोस्पर्म जो है आगे हमें डेवलपमेंट में तो पढ़ना ही है, फिलहाल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी पढ़ने हैं, न्यूक्लियर पढ़ते ना, फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोवियल टाइप, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये एंडोस्पर्म की बात हो गई आपकी, एंडोस्पर्म से थोड़ी सी बात समझ लें कि इन केसेस ऑफ, अगर मैं बात कर लूं किसकी, एंजियोस्पर्म की, कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इन जनरल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, डिप्लॉयड हो जाता है एंडोस्पर्म, ठीक, बट इन जनरली जो बात होती है कि इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, 3n होता है, व्हाइल इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लॉइड, इन एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड, इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लॉइड, इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, तो एंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाइल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्लियर है कि नहीं बात? पक्का समझ में आ रही बात? टेंशन तो नहीं है, बहुत ध्यान रखिए, हर एक टॉपिक की सीट बाय सीट एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे, ठीक, रेसेस मिलते रहेंगे, ठीक, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए, व्हेनेवर एनी डाउट इज देयर डिस्कस, गेटिंग ऑन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक, प्रैक्टिस करोगे चीजें आती जाएंगी आपको, ठीक। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हमने सेंट्रल सेल की, एंडोस्पर्म की, कि इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड एंड फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाइल इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, डन और नॉट। नेक्स्ट बात करें हम, डायग्राम देखो फिर से, अब डायग्राम में अगर देखें नीचे का जो मेन स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एग एपरेटस, एग एपरेटस मतलब आपका एक एग और दोनों सिनर्जिड, सिंगल एग एंड बोथ सिनर्जिड, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है एग एपरेटस, ध्यान से समझेंगे। एग एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, पहली बात, एग एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब जो एग है और जो सिनर्जिड है, एग एंड सिनर्जिड की जो पोलरिटी है न्यूक्लियस की, एक्चुअली वो अपोजिट होती है, उसको आप गौर समझेंगे। एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं मैं, यहां डायग्राम वाइज भी आप देख सकते हैं,
भारत आप देख ही रहे हैं। अगर मैं